अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे होममेड बिरयानी मसाला। इसे आप 6 से 7 मंथ फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और झटपट अपनी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें हम 4 तेज़पत्ता डालेंगे, 4 से 5 लाल मिर्च डालेंगे तीखी वाली, 1 टेबल स्पून भर के सौंफ, 1 टेबल स्पून भर के सिया ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून भर के धनिया, अखा धनिया हम 10 से 12 हरी इलायची लेंगे छोटी वाली, 2 बड़ी इलायची और 2 स्टार फूल लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून लौंग लेंगे, 1 अखा मैकट यानी जावत्री का फूल लेंगे और 1 पूरा जायफल लेंगे, 6-7 सिनेमन की स्टिक लेंगे और ये 1 टेबल स्पून भर के अनार का दाना है, ड्राई है। हाँ, पैन को मैंने हल्के आंच पे हीट करने के लिए रख दिया था। तुरंत बिल्कुल भी नहीं डालिएगा उसको बिना हीट किए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए हमारा पैन। हमें मसाला जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लाल और भूनना है। ये देखिए कितने आहिस्ते आहिस्ते से मैं उसको हर तरफ से चला के भून रही हूँ। इस मसाले को 6 से 7 मंथ तक का आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। देखिए एकदम धीरे धीरे धीमे आंच पे मैंने भूना था, बिल्कुल भी मसाले का कलर बदला नहीं है। हमने उसे भूना है हल्के से खुशबू आने तक का। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमने मसाला पूरा ब्लेंड कर लिया है, इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। मसाला आप ज़रूर बिरयानी का पीसिए, लेकिन इसे थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा क्योंकि बिरयानी में थोड़े से दरदरे मसाले अच्छे लगते हैं। अब उसमें हम 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून भर के लहसुन का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भर के अदरक का पाउडर डालेंगे यानी सौंठ का पाउडर डालेंगे। उसे हम अच्छे से मिक्स करके स्टोर कर लेंगे। इस मेथड से आप अपनी बिरयानी बना के बनाओगे ना, इस मसाले से आपकी बिरयानी तो एक नंबर है। 1 किलो चिकन के अंदर आप 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून मसाला मिक्स कर लीजिए, आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बकरीद स्पेशल चल रहा है तो बकरीद आने से पहले अपना ये सब मसाले तैयार करके रख लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। और इसे स्टोर करके रख दीजिए अपने फ्रिज के अंदर और मुझे ज़रूर याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।